Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree, where enlightenment is guaranteed. Now that your CAP round registration process, ठीक है, CAP round नहीं, registration process is officially over. इसके बाद की जो step आएगी, that is the most important. और उसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया ये इंपॉर्टेंट स्टेप को. क्या किया हमने, एक तो तुमने प्रेफरेंसेस कैसे फिल करने चाहिए, इसके पहले जो वीडियो डाला है वो देख लेना, जरूर वेरी इंपॉर्टेंट है. इसमें देखने वाले कि कॉलेजेस कैसे चूज करने हैं, तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट सुटेड है, तो एंड तक जरूर देखिए. एंड वाला जो पॉइंट है, जो क्राइटेरिया है, वो सबका फेवरेट है और सबको लगता है कि वही एक क्राइटेरिया है. ऑब्वियसली नो, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट नॉट दी ओनली क्राइटेरिया. देर आर मल्टीपल क्राइटेरिया जो हम लोग ये वीडियो में देखने वाले कि हाउ टू चूज एन एमबीए कॉलेज. तो ये जो रिसर्च करने के लिए लगता है वो कहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, एक तो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, पर इससे बेटर अगर तुम्हारा कोई दोस्त या कोई एलुमनाई पहचान वाला है वो पर्टिकुलर कॉलेज का, तो उनसे पूछना मत भूलो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर इंसाइट दे सकते. ऑलराइट, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इन द वीडियो. सबसे पहला रैंकिंग, ठीक है. तो ये रैंकिंग मतलब कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है या कौन सा बेस्ट है उसके हिसाब से नहीं होके, ठीक है, कि तुम किसको प्रेफरेंस दोगे, वो नहीं है ये. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन कट ऑफ, पास्ट कट ऑफ. पास्ट ईयर का देखो हमारे वेबसाइट पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी कि पास्ट ईयर के कट ऑफ कैसे थे, उसके बेसिस पे तुम रैंक करो कॉलेजेस. तो तुम्हें किधर जाना है वो नहीं, हम लोग पहले अलग अलग क्राइटेरियाज को एक साथ करके फिर अपन देखेंगे कि किधर तुमने जाना चाहिए. तो फर्स्ट इज कि कट ऑफ के हिसाब से, जैसे कट ऑफ के हिसाब से COEP विल बी अबव पुम्बा, ठीक है. देयर इज अ रीजन, ठीक है, कि COEP का कट ऑफ ज्यादा होता है पुम्बा से. क्यों? क्योंकि COEP में 30 सीट्स थी, पुम्बा में 180 होते हैं, ठीक है. तो जाहिर सी बात है कि उनका थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाता है, बट आई वुड सज लाइक अगर तुम पुणे के हो, तुम्हें पुणे का कॉलेज ही चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर पुम्बा इंस्टेड ऑफ COEP ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. वही रीजंस ये वीडियो में देखने वाले कि अलग अलग क्राइटेरिया क्या होती. तो पहला कट ऑफ के हिसाब से तुम सारे कॉलेजेस रैंक करो, ठीक है. एक एक्सेल शीट बनाओ, गूगल शीट बनाओ, वो रैंक करो. ऑलराइट, स्टेप वन, या फिर ये फर्स्ट क्राइटेरिया. लेट्स लुक एट द सेकेंड क्राइटेरिया कि फैकल्टी कैसी है. तो फैकल्टी के लिए ना, एक तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मल्टीपल वेज टू डू रिसर्च, एक है एलुमनाई या जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो, या फिर हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे जाके देखो कि फैकल्टी का लेवल क्या है, फैकल्टी किस पे रिसर्च कर रही है, क्या उन्होंने PhD किया है, क्या PhD किया है तो किस में किया है, उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है क्या. ऐसे अलग अलग क्राइटेरियाज लगा के देखो कि फैकल्टी कैसी आती है वो पर्टिकुलर कॉलेज में. प्लस गेस्ट लेक्चर्स अगर होते हैं तो क्या लेवल के गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, आर दिस पीपल प्रोमिनेंट इन देयर पर्टिकुलर इंडस्ट्री. कोई भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, फाइनेंस में अगर कुछ बैंकिंग वाले हैं, कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले, कोई ट्रेजरी वाले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या मार्केटिंग वाले, कोई ब्रांड मैनेजमेंट वाले, या कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड. बस देखो कि उनकी लेवल क्या है वो, और कितना फ्रीक्वेंटली तुम्हारा गेस्ट लेक्चर होता है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि सेम पूरे सेम में एक गेस्ट लेक्चर होता है, वो भी फालतू, वैसा नहीं. तो फैकल्टी किस प्रकार की है प्लस गेस्ट लेक्चर किस लेवल के होते हैं वो देखना तुम्हें जरूरी है. ऑलराइट, दिस इज क्राइटेरिया नंबर टू. कमिंग टू क्राइटेरिया थ्री, स्पेशलाइजेशन. तो स्पेशलाइजेशन मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे JBIMS इज नोन फॉर इट्स फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, जैसे FMS इज नोन फॉर इट्स मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन. ऐसे हर एक कॉलेज अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए नोन है, तो वो रिसर्च करो. जैसे तुम उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि पर्टिकुलर ब्रांच में कितने लोग होते हैं. जैसे अगर JB में फाइनेंस के ज़्यादा होते हैं तो जाहिर सी बात है कि JB में फाइनेंस की कंपनीज ज़्यादा आएगी. वो सब देखना जरूरी है कि फाइनेंस की कंपनीज ज़्यादा आ रही क्या JB में. ओके, सो इट्स सेफ टू से कि इट्स अ फाइनेंस कैंपस, ठीक है. वैसे हर एक कॉलेज का बनाओ कि अच्छा यहाँ पे मार्केटिंग की कितनी कंपनीज आ रही है, अच्छा मार्केटिंग के लिए कितने बच्चे 180 में से पुम्बा में ऑप्ट करते हैं, अगर 180 में से 90-90 है फॉर एग्जाम्पल, मतलब है डिसेंट हेल्दी रेशियो है, मतलब 50-50% 1:1 है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केटिंग के लिए भी लोग कंपनीज लाना वहाँ के प्लेसमेंट सेल या जो भी प्लेसमेंट देखता है उनको जरूरी है. दे'ल हैव टू ब्रिंग फॉर मार्केटिंग एज वेल, क्योंकि तुम्हारी आधी जनता मार्केटिंग में. सो वैसे क्या होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर JBIMS में 140 स्ट्रेंथ है, उसमें से चार लोग HR के, ठीक है, सिर्फ चार लोग HR के फॉर एग्जांपल, तो HR के लिए कंपनीज लाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि
अगर कोई कंपनी आ रही है तो उनको दे ओनली हैव 4 पीपल टू चूज फ्रॉम, वो इतना मेहनत करके वहाँ पे आते हैं, उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, मतलब सिलेक्शन का या हायरिंग का, इतनी मेहनत करके आ रहे हैं वहाँ पे, इंटरव्यूज लेंगे, उनका कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, बस 4 ही लोगों का हो रहा है तो मतलब नहीं। तो वो ध्यान दो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन कौन से कॉलेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अगेन दिस विल बी, ऑल द डेटा विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट प्लस एल्यूमनाई एंड करंट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी से यू हैव टू मेक अ नोट कि नहीं मुझे ये स्पेशलाइजेशन करना है, वो स्पेशलाइजेशन करना है, एंड हमारा MBA स्पेशलाइजेशन टेस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दैट सेंस। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। बेस्ड ऑन योर स्किल्स विल मैप कि कौन सा स्पेशलाइजेशन तुम्हारे लिए बेस्ट सुटेड है। तो ये टेस्ट जरूर देना, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। एंड बेस्ड ऑन दिस फिर तुम आगे जाके कौन सा कोर्स लेना है, तो कोर्स अगर तुम अभी से कुछ करते हो बेस्ड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, योर चॉइस, जो भी इससे स्पेशलाइजेशन आ रही तुम्हारी, ऑपरेशंस, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IT, जो भी आ रहा है उसके बेसिस पे कोर्स करो। मतलब समर प्लेसमेंट में अगर पूछा ही क्वेश्चन कि विच स्पेशलाइजेशन आर यू ऑप्टिंग फॉर, तो तुम्हारे पास एक आंसर रहेगा, और ऐसे हवे में नहीं रहेगा आंसर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग हाँ मुझे फाइनेंस करना। यू विल हैव अ प्रूफ कि मैंने कोर्स किया है, मुझे जेन्युइनली इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इतने कोर्सेस किए, जब तब जाके मैं बोल रहा हूँ मुझे बेसिक नॉलेज है फाइनेंस का, मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेसमेंट, समर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट बाद में आएगा पर समर प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट कि कौन सा स्पेशलाइजेशन चाहिए, फाइंड आउट वो स्पेशलाइजेशन कौन से कॉलेजेस में अच्छा है, और फिर उसके रिलेटेड हम लोग कोर्सेज करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, एलुमनाई नेटवर्क, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें ना कॉलेज से पास आउट होके ऐसे मत सोचो कि तुम्हें बाद में वो कॉलेज से कुछ हमारा संबंध नहीं आने वाला, कुछ रिलेशन नहीं रहने वाला। ऑलवेज ऑलवेज एलुमनाई नेटवर्क चेक करो। क्यों? क्योंकि वो एलुमनाई, जैसे मुझे जॉब स्विच करना है, ठीक है, या मुझे खुद का स्टार्टअप करना है फॉर विच आई नीड VC फंडिंग, और मेरा दोस्त है वो VC वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जॉब कर रहा है, ठीक है, तो आई कैन ऑलवेज कनेक्ट। तो तुम देखो कि एलुमनाई नेटवर्क वो पर्टिकुलर कॉलेज का कौन से पोस्ट पे या कौन से लेवल में, कौन से फील्ड में, कौन से कंपनीज में क्या जॉब कर रहा है, क्या रोल है उनका, वो सब देखना जरूरी है। ऑलराइट, तो आई नो कि हम लोग जो क्राइटेरिया देख रहे हैं ये सारे डेप्थ में जाके देख रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि MBA कॉलेज चूज करना ऐसे बहुत मतलब अरे हाँ चलो ले लेते कोई तो कॉलेज, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, बेस्ड ऑन तुम और भी आगे क्राइटेरिया देखेंगे, ये सब कंसिडर करके मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, ऐसे हवे में मत लो। ऑलराइट, इट्स वेरी एसेंशियल क्योंकि इससे तुम्हारा फ्यूचर करियर शेप होने वाला है। तो रैंडमली जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग ये कॉलेज बेटर है या हम भी बोल रहे हैं ये कॉलेज बेटर है, रैंडमली मान मत लो। तुम्हारे लिए कौन सा बेटर सुटेड है इसके लिए ये वीडियो बनाए, ठीक है, एंड इसके बेसिस पे प्लस जो पुराना वीडियो डाला था कि कैप राउंड प्रोसेस के बाद जो प्रेफरेंसेस फील करने वो कैसे फील करने, वो ये दोनों वीडियोस देख के तुम फिर चॉइसेस फील करो। लेट्स लुक एट पॉइंट नंबर 5, दैट इज लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि तुम मुंबई में रहने वाले हो, सो इट्स ऑलवेज सिडनम, खैर उसकी फीस भी कम है, लेट्स से वेलिंगकर, वेलिंगकर की फीस ज्यादा है, तुम्हें वेलिंगकर मिल रहा है, तुम मुंबई में रहने वाले हो, एंड योर मतलब योर प्रेफरेंस वाइज तुम्हारा वो थर्ड कॉलेज था, तुम हैप्पी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें हॉस्टल की फीस भरनी है या तुम्हें रेंट भरना है या कुछ भी नहीं, तुम्हें बस तुम्हारे घर से वेलिंगकर रोज जाना है बस। वो देखो ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेलिंगकर लेट से दादर में है, ये दादर के पास है तो, और तुम लोग बहुत दूर से आ रहे हो तो रोज़ ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा फिर कहीं पे वेलिंगकर के पास रेंट से लो। ये सब फैक्टर्स कंसिडर करने लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर कोई बंदा है कि जो मुंबई का नहीं है, बाहर रह रहा है, और उसे वेलिंगकर भी मिला है, पुम्बा भी मिला है, तो आई वुड सजेस्ट, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई वुड सजेस्ट गो फॉर पुम्बा। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिवली पुम्बा की, इसके पहले प्लेसमेंट रिपोर्ट्स वाला वीडियो बनाया था, डिटेल में सारे कॉलेजेस देखे थे टॉप वाले, वो एक बार देख लेना। तो पुम्बा की फीस भी कम है, प्लस पुणे में रीलोकेशन मतलब रीलोकेट करना इज़ कंपेरेटिवली इजियर कम्पेयर टू मुंबई। मुंबई में रेंट हायर साइड पे कम्पेयर टू पुणे, तो लोकेशन देखना ज़रूरी है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ऐसे मतलब लोकेशन, अच्छा वेलिंगकर मुंबई में, मुझे मुंबई अच्छा लगता है, मैं मुंबई ले रहा हूँ, वैसा नहीं। तुम कहाँ रह रहे हो, वही अगर तुम लेट से कि COEP मिला तुम्हें, ठीक है, और तुम पुणे की ही हो एंड यू आर फाइन कि ठीक है COEP और
वेलिंगकर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, और COEP का ब्रांड भी अच्छा है, तो आई टेक COEP। वैसे मैं पुणे में रह रहा हूँ, पास में ही है मुझे, वैसे सोच सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया। ठीक है, तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं रिलोकेट होने में मुझे ज़्यादा एफर्ट्स लगने वाले हैं, बहुत पैसा जाने वाला है, वो सब कैलकुलेशन करो कि कितना रेंट जाएगा, फिर मैं जहाँ रह रहा हूँ अभी रेंट पे पर्टिकुलर एरिया में, उधर से कॉलेज कितना दूर रहेगा, वो मुझे ट्रायल करने में कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, इज इट रियली वर्थ इट, वो सब देखो। लोकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं फाइनेंशियल बर्डन होने वाला है। तो ये फाइनेंशियल बर्डन ना हो, इसलिए ये सब अग्नि परीक्षा वगैरह हमने स्टार्ट किया था, फिनिक्स प्रोग्राम, अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा एवरी संडे देते रहो गाइस विदाउट फेल, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है ना, ऑब्वियसली पैसे भी मिल रहे तुम्हें। ये एक मेजर रीज़न था कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स पे फाइनेंशियल बर्डन ना बनो, अग्नि परीक्षा वो थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था। राइट, तो एवरी संडे 2 to 3 PM में अग्नि परीक्षा दो। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जैसे पुंबा में तुम्हें पूरा पुणे यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलता है, बड़ा अच्छे ग्रीनरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है वाइल चूजिंग पुंबा और वेलिंगकर। वेलिंगकर में इंफ्रा अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट एरिया कंपेरेटिवली कम है, ग्रीनरी वगैरह नहीं, बिल्डिंग है, ऑलराइट, तो वो सब देखो तुम्हें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग पॉइंट्स है, तुमको कितना वेटेज पर्टिकुलर क्राइटेरिया को देना है वो तुम पे है, इट्स टोटली अप टू यू। लाइक JBIMS इज जस्ट वन बिल्डिंग, उनका चल रहा था कि नए कैंपस में कलीना करके, जहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हम लोग शिफ्ट हो गए, पर वो बहुत टाइम से चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक JBIMS वहाँ पे है, चर्च गेट पे एक बिल्डिंग है। तो इट्स अप टू यू, ऑब्वियसली व्हेन यू गेट JBIMS तो उतना मत सोचो कि नहीं यार उधर सिर्फ बिल्डिंग है, देर आर अदर फैक्टर्स विच मेक्स JBIMS द बेस्ट कॉलेज। पर पुंबा मिल रहा है, वेलिंगकर मिल रहा है, अरे पुंबा में कैंपस भी अच्छा है, फीस भी कम है, मैं पुणे का ही रहने वाला हूँ तो मैं वेलिंगकर क्यों लूँ, प्लेसमेंट लगभग सेम है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर, एंड सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ देम। तो हर एक पॉइंट को ना तुम्हारे हिसाब से वेटेज दो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं 10% दे रहा हूँ आउट ऑफ 100, ठीक है, आउट ऑफ 100 इट्स अप टू यू, टोटल 100% होना चाहिए वेटेज। जैसे लोकेशन को मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं 15 दे रहा हूँ, एल्युमनाई और इम्पॉर्टेंट है तो 20% दे रहा हूँ, इट्स अप टू यू, तुमको कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उस हिसाब से रेटिंग दो। तो फिर एक स्कोर दो, तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे गाइज, MBA कॉलेज चूज करना, इट्स नॉट लाइक रैंडमली हम लोग सब्जी मार्केट में जाके सब्जियाँ नहीं खरीद रहे, बेस्ड ऑन योर, क्योंकि यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट, टाइम, एफर्ट्स, 2 साल देने वाले हो, उसके बाद तुम्हारा करियर शेप होने वाला है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर रिसर्च करो। कमिंग टू 7th पॉइंट, स्टूडेंट बॉडीज कैसे है पर्टिकुलर कॉलेज में, इज दैट कॉलेज स्टूडेंट रन, स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं या फैकल्टी रन कर रही है। अगर प्लेसमेंट्स हो रहे हैं तो प्लेसमेंट स्टूडेंट बॉडीज डिसाइड कर रही है कि कंपनीज कौन से आनी चाहिए या फैकल्टी डिसाइड कर रही है, ये सब देखना जरूरी है। तुम्हें लग रहा है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों के उस पर अलग से वीडियो बन सकता है, पर बस ये स्टूडेंट बॉडीज रहेगी तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, मज़ा आती है कि यू रन द कॉलेज, ठीक है, कि तुम ही सब लोग डिसाइड कर रहे हो कि अच्छा शेड्यूल क्या होना चाहिए, कंपनीज कौन सी आनी चाहिए, कुछ एंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स रखने हैं वो कैसे रखने चाहिए, गेस्ट लेक्चर के लिए किसको बुलाना चाहिए, ये सब तुम डिसाइड कर रहे हो कलेक्टिवली, सो इट्स फन, इट्स अप टू यू कि तुम्हें लग रहा है उसमें काफ़ी फिर बायस्ड भी हो सकता है बेस्ड ऑन कौन किसका दोस्त है, हो सकता है, बट नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे फैकल्टी रन कॉलेज में ही जाना चाहिए, मुझे किसी मेरे फेलो स्टूडेंट पे भरोसा नहीं, वो अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट कि स्टूडेंट बॉडीज़ वाले जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ्रीडम है, वो वाला कॉलेज तुमने चूज़ करना चाहिए, इट्स टोटली अप टू यू। दो अगेन इसका रिसर्च करो, करंट स्टूडेंट्स को पूछो कैसा हाल है वहाँ पे, एलमनाई को पूछो, वेबसाइट पे देखो, राइट, बेस्ट वे है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं। कमिंग टू द फाइनल एंड लाइक वन ऑफ द मोस्ट बट नॉट यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है गाइज, ये सब बहुत लोगों को लगता है कि ROI के बेसिस पे ही मैं जज करने वाला हूँ या करने वाली हूँ कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, वैसा नहीं। जैसे हमने अभी 8 क्राइटेरियाज डिस्कस किए, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे हिसाब से ROI बहुत इंपॉर्टेंट है तो 25% वेटेज दो जब स्कोरिंग करोगे तुम, कि इसको सबसे ज़्यादा मैं वेटेज दे रहा हूँ कंपेयर टू दी अदर 7, ठीक है। तो ROI बेसिकली कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तुम्हारी फीस कितनी और वहाँ पे एवरेज या मीडियन पैकेज कितना है वो पर्टिकुलर कॉलेज में, तो ये सबको ही पता है।
तो ROI का तो एवरीबडी नोस। तो बस एक इसके पहले वीडियो में एक लिस्ट भी बनाई थी, वो वीडियो भी देखो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स का। तो एक एक मार्क्स के लिए, मतलब फॉर वन वन मार्क यू हैव टू फाइट गाइस। कि जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि एक मार्क कम आ गया, मेरा जेबी चला गया, तो जेबी का लिटरली 100% मोर है एवरेज एंड मीडियन पैकेज कंपेयर टू सिडनम। एंड जेबी इज द फर्स्ट लाइक द बेस्ट कॉलेज एंड सेकेंड बेस्ट इज सिडनम। तो फर्स्ट और सेकेंड में इतना डिफरेंस है, एक मार्क की वजह से इतना फर्क पड़ रहा है, तो वो पढ़ने मत दो। अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस लेके, प्रॉपर मेंटरशिप जो भी प्रोवाइड कर रहा है उनसे अच्छा सीख के तुम एग्जाम दो। तो हमारे 2024 के सारे नॉन कैट बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव, एंड 5th अगस्त से नई बैच स्टार्ट हो रही है गाइज। स्टार्टिंग फ्रॉम 5th अगस्त वी आर लॉन्चिंग आर न्यू बैच। तो डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स। ट्रायल लेसन्स भी देखे बिना ऑब्वियसली, ट्रायल लेसन्स नहीं देख रहे हो तो डोंट एनरोल। वी वुड एनकरेज कि ट्रायल लेसन्स देखो। इवन दे लाइक आपके दोस्त जो हमारे स्टूडेंट्स थे बोल रहे कि बहुत अच्छा है, पर्सनल अटेंशन बहुत देते हैं, वन ऑन वन मेंटरशिप सेशंस अच्छे हो रहे हैं, या लाइव लेक्चर्स बहुत इंटरैक्टिव हो रहे हैं, जो भी है, बट वी वुड स्टिल सजेस्ट कि तुमने ट्रायल लेसन्स देखने एंड देन ओनली एनरोल। सो 5th अगस्त वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैच। 5th अगस्त 2023 न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, तो डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। ये 8 क्राइटेरिया तुम कैसे डिवाइड करते हो वेटेज के हिसाब से, इट्स अप टू यू, बट आठों के आठों क्राइटेरिया यू हैव टू कंसिडर। ऐसे मत करो कि कोई एक कंसिडर नहीं किया। ऑब्वियसली इट कैन बी कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंस वाइज तुम्हारे लिए कम हो सकता है, बट कंसिडर करो, यू हैव टू कंसिडर ऑल दैट फैक्टर्स, क्योंकि सबके वजह से तुम्हारा फ्यूचर शेप होने वाला है, डिसाइड होने वाला है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधिट्री चैनल। टेलीग्राम पे डेली बेसिस पे कॉन्स, LR, वर्बल, करंट अफेयर्स की क्विजेस, वोकैब शीट्स डाल रहे, तो डू चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे स्टोरी में हम लोग डेली न्यूज एनालिसिस डाल रहे हैं। ये अगर तुम रोज करते हो तो तुम्हारा CMAT, स्नैप, ऐसे एग्जाम जिसमें ZAT, करंट अफेयर्स पूछते हैं या न्यूज के रिलेटेड जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछते, हो जाएगा, फिर तुमको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। प्लस YouTube पे तो अपडेट्स आते हैं, टेलीग्राम पे भी अपडेट्स आते हैं, YouTube पे भी हम लोग वीडियोस बना रही है। कुछ भी डाउट्स रह गए रिगार्डिंग दिस वीडियो, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर योर डाउट्स। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधिट्री चैनल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कैप राउंड प्रोसेस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।